हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर इलेवन, डेसिमल सिस्टम आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है डेसिमल सिस्टम तो सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे इसमें क्या क्या होता है तो स्टार्ट फर्स्ट द फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमीटर्स टेन हंड्रेड थाउजेंड एटसेट्रा

नीचे डिनोमीटर तेन होता है तो उसमें क्या होता है वन डिजिट के बाद पॉइंट लगता है फॉर एग्जाम्पल वन अपॉन तेन इक्वल टू पॉइंट वन यहाँ पे आपकी कितनी डिजिट कितनी जीरो यहाँ पे आपकी वन जीरो है तेन में हमारी कितनी जीरो है वन जीरो है तो हम वन डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे अगर आपकी टू जीरो होगी तो हम टू डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे बट यहाँ पे हमारी वन जीरो है तो हमने वन डिजिट के बाद डेसिमल लगाया वन जी वाला लिखा हमने और डेसिमल लगाया नेक्स्ट नंबर को और देखिए हम टू टू लिखा हमने और कितनी जीरो के बाद यहाँ पे कितनी जीरो है वन जीरो है तो हमने वन डिजिट के बाद डेसिमल लगाया ओके नेक्स्ट डेसिमल फ्रैक्शंस विथ डिनोमीटर हंड्रेड हैज टू डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट अभी हमने टेन में वन डिजिट के बाद डेसिमल लगाया था अब हंड्रेड में हम टू डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे क्योंकि हंड्रेड में हमारी कितनी जीरो होती है टू जीरो होती है तो हम टू जी टू डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे एग्जांपल आप देखिए हंड्रेड इक्वल टू डेसिमल जीरो वन, वन वाला लिखा और जीरो लगा दी टू डिजिट करने के लिए हमने जीरो एड कर दी और क्या लगाया डेसिमल। इसको हम डेसिमल बोलते हैं नेक्स्ट आप देखिए टू अपॉन हंड्रेड इक्वल टू डेसीमल जीरो टू डेमल जीरो लिखेंगे जो ऊपर न्यूमिनेटर होगा हमारा वो हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे को को क्या बोलते हैं? Denominator. के नंबर को क्या बोलते बोलते हैं हैं ऊपर के देखिए आप हमारे टू डिजिट ऑलरेडी पहले से है यहाँ पे हमारे टू डिजिट नहीं थे तो हमने यहाँ पे वन जीरो एट की अब यहाँ हमारे टू डिजिट है हमारे तो हमने क्या करा नाइन्टी नाइन लिखा और डेसिमल लगा दिया ओके? नेक्स्ट फोर अ डेसिमल फ्रैक्शन विथ डिनोमीटर थाउजेंड हैज थ्री डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आपने अभी तक देखा टेन में हमने वन डिजिट के बाद डेसिमल लगाया 100 में हमने टू डिजिट के बाद डेसिमल लगाया और डेसिमल लगाएंगे थ्री डिजिट के बाद तो, डेसिमल डिजिट हुए हमारे वन टू थ्री कितने डिजिट हुए हमारे थ्री डिजिट हुए हमने थ्री डिजिट के बाद लगाया डेसिमल नेक्स्ट टू अपॉइंट वन थाउजेंड इक्वल टू तो, पॉइंट पॉइंट मीन्स डेसिमल जीरो जीरो टू टू इसमें क्या करा हमने टू जीरो एड कर दी थ्री डिजिट बनाने के लिए आप ऐसे नहीं लिखेंगे टू लिखा फिर टू जीरो इसमें ऐड कर दी ऐसे नहीं लिखेंगे आपका रॉन्ग है आपको ऐसे लिखना है टू लिखा यहाँ पे हमने टू जीरो एड की और क्या लगाया डेसिमल अगर आप डेसिमल नहीं लगाओगे तो आपका जो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि चैप्टर ही हमारा डेसिमल का है पूरा नेक्स्ट देखिए आप नाइन हंड्रेड नाइन अपॉन वन थाउजेंड ऑलरेडी नाइन ऑलरेडी डिजिट है हमने बस क्या किया यहाँ पे डेसिमल अरेंज कर दिया डेसिमल लगा दिया नेक्स्ट फाइव मिक्स्ड डेसिमल फ्रैक्शन है द फर्स्ट वन इज अ होल नंबर पार्ट टू द डेसीमल पॉइंट एंड सेकेंड वन इज डेसीमल पार्ट टू द राइट ऑफ द डेसीमल पॉइंट मीन्स क्या हुआ इसका ये हमारा मिक्स डेसिमल फ्रैक्शन है 49.90 तो इसमें यहाँ क्या पूछा इसके कितने पार्ट्स होते हैं टू पार्ट्स होते हैं कितने पार्ट्स होते हैं इसके टू पार्ट डेसिमल के इधर जी कौन सा पार्ट है हमारा लेफ्ट पार्ट है ये हमारा राइट पार्ट है राइट एंड लेफ्ट बीच में इसको क्या बोलेंगे डेसिमल पॉइंट हमारा डेसिमल पॉइंट अब यहाँ पे क्या पूछा है टू पार्ट्स होगा इसके टू पार्ट्स होगा ये फर्स्ट वन इज अ होल नंबर पार्ट टू लेफ्ट मतलब कि लेफ्ट साइड में जो है पार्ट उसको हम क्या बोलेंगे होल पार्ट इसके डेसिमल के इधर लेफ्ट साइड में जो भी पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे होल पार्ट होल पार्ट बोलो हमने डेसिमल पॉइंट के इधर एंड सेकंड वन इज डेसिमल पार्ट और टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट अब राइट right. राइट right लिखा है राइट right ये है हमारा तो राइट right के इधर ये कौन सा पार्ट हुआ हमारा डेसीमल पार्ट ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट सिक्स द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन अ डेसिमल इज कॉल्ड अल डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन नंबर अभी इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि डेसिमल प्लेसेस हमारी कौन सी होती है तो आप एग्जांपल देखिए सबसे पहले मैंने टेबल आपको शो की गई है यहाँ पे डेसिमल नंबर यहाँ पे मैंने डेसीमल नंबर कुछ अरेन्ज किए हैं यहाँ पे ऊपर मैंने क्या लिखा है नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अब जो डेसिमल प्लेसेस हैं अब कैसे मालूम आपको कि जो डेसिमल प्लेसेस हैं तो मैं आपको बताती हूँ सिक्सटी थ्री पॉइंट जीरो वन अब नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट डेसिमल पॉइंट इसके बाद इसके बाद हमारे कितने डिजिट हैं वन टू तो कितने डिजिट हुए हमारे यहाँ पे टू डिजिट हुए डिजिट पूछा ना यहाँ पे डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट तो हमारे डिजिट कितने हुए टू डिजिट हुए अब यहाँ पे क्या पूछा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अब जो जितने जहाँ पे डिजिट होंगे वही हमारी क्या होगी डेसिमल प्लेस नेक्स्ट और देखिए आप वन हंड्रेड नाइन्टी एट पॉइंट जीरो सिक्स। अब डेसिमल पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे कितने डिजिट है वन टू थ्री तो हमने यहाँ पे क्या लिखा थ्री ये हमारे डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है वो हमने यहाँ पे लिखी है अब इसकी प्लेस पे क्या आएगा थ्री आएगा क्या आएगा इसकी प्लेस पे तो डेसिमल प्लेस क्या हो गई यहाँ पे पूछा है ना डेसिमल प्लेस तो इसकी डेसिमल प्लेस क्या हो गई थ्री ओके